हेलो एवरीवन, आज मतलब हम यूपी में हैं। आपको पता नॉर्थ में बहुत सर्दी है यहाँ पर, और मुझे लगती भी है मेरा लग्नेश वक्री है, तो जिसका भी लग्नेश वक्री होता है उसको सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी बड़ी लगती है। मैंने पढ़ के ही जाना, लेकिन मैं बचपन से ही करती हूँ। आज बात करते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। और देखिए, भोजन सब बोलते सात्विक होना चाहिए। हम लोग स्वाद के मारे हुए हैं, जब तक तड़के शड़के नहीं लगा लेते ना, तो मैं पंजाबी में तो अपना बता रही हूँ, तो हमें तो मज़ा नहीं आता। और मैं सच बताऊँ, बचपन से मैं देखिए नॉनवेज लेती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो ये लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो 17 साल तक मैंने नहीं खाया। फिर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजी में आगे फिर छोड़ दिया। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या था, जब मैं मेरी सर से पढ़ने के लिए साउथ में गई, तो वो तो खाते थे, तो वो बोले कि ये सब है कि आपको जो अच्छा लगता है खाइए। लेकिन तामसिक चीज़ें क्या, हमारी एनर्जी को बढ़ाती है, हमारे गुस्से को बढ़ाती है, एग्रेसिव को बढ़ाती है, वो आपको काम ना बढ़ाना है। वो भी खाते थे, तो मेरे घर इसी शर्त पे आए थे कि अगर मैं तेरे घर आता हूँ, तेरे हाथ का खाना खाना है, नॉनवेज खाना है, इसी शर्त पर मेरे घर आए थे। 2016 की बात बता रही हूँ आपको। फिर क्या हुआ कि मुझे कोई भी शास्त्र में पढ़ती हूँ, मैं वैसे ही करती हूँ जैसे लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको नॉनवेज नहीं खाना। 2 साल मैंने बिल्कुल नहीं खाया। और क्या हुआ कि मेरा ब्लड बिल्कुल 5 ग्राम रह गया। आप मेरी वीडियो सुनना, मैं कैसे हाँ हाँ के बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं इतना, मेरे को सांस क्यों चढ़ भी गया, तो मुझे पता नहीं था दिमाग क्यों कम हो गया। फिर मेरे को प्रोटीन की इतनी ज़रूरत थी, 4 यूनिट लगी मुझे ब्लड की, लेकिन ओरिजिनल फूड खाना भी ज़रूरी है। तब मैंने भगवान को कहा कि एक बार मैं ठीक हो जाऊँ, मैं फिर छोड़ दूँगी, लेकिन अभी क्या मेरी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने नॉनवेज स्टार्ट करा, मैंने अभी बंद ही नहीं करा। तो ऐसा नहीं कि आपको जो अच्छा लगता है खाइए। देखिए, हम इंडिया में इतने शास्त्र हैं और सबने बोला हुआ है कि ये खाने से ये हो जाएगा। मुझे कभी आयु पर लगता है, अगर 8th हाउस में आपका कोई प्लेनेट ऐसा बैठा है जिसके खाने से आपकी आयु पर इफेक्ट पड़ता है, तो मैं कहती हूँ आप मत खाइए। मंगल बैठा है, मेटा नहीं खाना, नहीं मटर नहीं खाना। शनि बैठे हैं तो मैं कहती हूँ बीफ नहीं खाना। तो ऐसे मना करती हूँ। अदरवाइज मैंने किसी को नहीं कहा कि आप भी छोड़कर ये खा लो तो इससे आपका अच्छा होगा। मेन इम्पॉर्टेंट था केतु की महादशा, जिसकी भी वर्ल्ड वाइड होगी उसको सात्विक भोजन खाना है। क्यों? क्योंकि केतु आध्यात्मिकता है, सेल्फ को पाना, मोक्ष को पाना, मोक्ष होना। अगर कुछ भी बचा के रखा तो हमारा जन्म हो जाएगा दोबारा। उन 7 सालों में आपको सात्विकता को, मतलब यहाँ तक मिर्ची मसाले भी नहीं, दाल चावल ही। पहले लोग गुरुकुल में रहते थे तो देखिए कंदमूल फ्रूट यही सब चलता था। अब डाइटिंग के तौर पर चल रहा है, मतलब स्वाद पिज्जा बर्गर इतना हो गया तो कोई रह नहीं सकता। लेकिन आप ये मत सोचिए एस्ट्रोलॉजी किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। हम एस्ट्रोलॉजर, हम पर है रिस्ट्रिक्शन, हमको किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए। बोलते हैं ये लोग राक्षस होते हैं, खुद राक्षस बन जाते हैं, मरा हुआ जानवर हम घर पे, मतलब कहते हैं कि किसी की डेथ हो जाती तो हम घर पे नहीं रखते, ऐसे मरे जानवर को फिर बोलिए कि तुम लोग पेट में रखते हो। तो जिसका जैसा सोचना है वो, लेकिन फॉर्म में तो सब ये खाते, कितना हेल्दी फूड खाते, वो लोग स्वाद नहीं खाते, वो हेल्दी खाते, घास पत्ते, मतलब कुछ ना कुछ उनका रशियन सैलड ये वो। आप कभी वीडियो देखना आपको भरमार है, हमें पता चलेगा वो कितना लेते हैं रॉ, मतलब कच्चा ही खा जाते हैं। हम नहीं खा सकते, हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है कि हम रॉ चीज़ें खाएं, ऐसे कच्ची उठा के। कई लोग तो नॉनवेज भी कच्चे ही खा जाते हैं और देखें कितनी वीडियोस में, लेकिन वो नहीं है। हमको तो स्वाद चाहिए, मसाले पूरे चाहिए, वही हमारे पंजाबी वाले या हमारे इंडियन वाले मसाले चाहिए। भोजन आप कैसा भी करो, और अगर वो 8th हाउस से रिलेटेड आ रही है चीज, उस चीज को आप अगर टेक कर ले तो वो चीज़ कम होती है, और ये बात सच है। तो मैं उसके लिए मना कर दी। अदरवाइज आप कुछ भी खाइए, कुछ भी मना नहीं है। मैं ही नहीं, अभी देखिए मैंने 2 साल बिल्कुल छोड़ दिया था, तो बिल्कुल मैं सात्विक खाने पे, मैं बॉयल खाना खाती थी, तो देखिए क्या हुआ मेरे साथ, मौत के ही मुँह में पहुँच गई, बस बचना ही मुश्किल हो गया। तो फिर 5-6 महीने मैंने उनपर डाइट पर ध्यान दिया, अब जाके मेरा ठीक हुआ, ब्लड बिल्कुल सही आया है, हेल्थ अच्छी होगी। देखिए आवाज में दम आ गया, मैंने वो बोलती तो बड़ी बहुत बुरी से बोलती थी कि दम ही नहीं था चली। ऐसे आप लोग कुछ भी खाइए, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपको अच्छा लगे खाइए, डाइट नहीं कीजिए, लेकिन वो चीज़ से बचिए। तामसिक भोजन जो खाते हैं उनके अंदर गुस्सा होता है, साथ भी जो थोड़े कूल रहते हैं। और 8th हाउस में अगर आपका कोई प्लैनेट है, उस
चीज को आप अवॉइड करिए, मेरे लिए हमेशा के लिए। और क्या लोग कहते हैं, मंगलवार को दारू नहीं पीता, शनिवार को दारू नहीं पीता, गुरुवार को मैं नहीं पीता, कोई कह रहा मैं सोमवार को नहीं पीता, मतलब जिस भगवान को जिस दिन मानता उस दिन मुझे, बाकी हम पीते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जरूर उनका राहु कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस से कनेक्टेड होता है या शुक्र कनेक्टेड होता है, क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट ही कराते हैं। मेन है अगर आपके देखिए लगन में ही राहु बैठा है, किसी का है जैमिनी लगन है, तो वो नॉन वेज के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि आपके ब्रेन में राहु है, आप नहीं खाओगे ना तो वो शांति नहीं मिलने देगा, वो खाते हैं। या सेकेंड हाउस में राहु केतु मंगल या शनि का इम्पैक्ट हो, ये लोग लेकर ज्यादा करते हैं और नॉनवेज खाते हैं। अगर राहु और मंगल नीच के बैठे हुए हैं, सेकेंड लॉर्ड में कोई नीच प्लैनेट अगर बैठा हुआ है और राहु से उसका दृष्टि संबंध है, तो देखना गाली गलौज भी बहुत देता होगा। तो इस तरह प्लैनेट का इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज आप कुछ भी खाइए, आप नहीं खाएंगे ना तो डिस्टर्ब होंगे, खाएंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, एटलीस्ट आपको सुकून सा मिलता, पी लेना आप शांति आ गई, नहीं तो आप तो परेशान हो गए, आपकी फैमिली और परेशान होगी। तो मुझसे मैं कभी आज तक शायद किसी को मना नहीं करे, नहीं शराब पीने से ऐसा हो जाएगा, मैं उन लोगों को गलत बोलती हूँ जो मतलब 200-300 रुपये कमाते हैं और 200 रुपया जाके शराब पर गवाते हैं, 100 रुपये अपने बच्चों के लिए बचाते हैं। आप 500 कमाओ, 100 अपने पर खर्च करो, आप 400 रुपये तो घर पर दो। सिर्फ मैं उनको मना करती हूँ कि जब तक उतनी आपकी इनकम नहीं है मत, फैमिली प्रायोरिटी है आपकी, खाना देखभाल ये पहले उनको दो, उसके बाद पीना, ये बिल्कुल बात अलग है। इसका प्लैनेट से कोई लेना नहीं, हर किसी को ऐसा करना चाहिए। पहले हमें डेली जो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं वो चाहिए, लेकिन आपको पता है जिसने पीनी है वो फैमिली का भी ध्यान नहीं रखता, फिर उसमें तो पीनी है, 100 रुपये कमाएगा पहले पीने बैठ जाएगा, और ये भी देखा था सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सच के साथ जुड़े रहें, अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ।